मम्मी जान ने हमें बुलाया। ठीक है, पहले आप चले जाइए। आदाब शहंशाह, आदाब बेगम साहिबा, मलिका आजम आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। आइए। प्रणाम मम्मी जान। आदाब मम्मी जान। जीते रहो जलाल। जोधा, आप दोनों ने फिर से हमें आज फक्र महसूस करवाया है। आओ बैठो। जलाल, हमने पहले किसी को ख्वाजा शेरा के जन्मदिन को मनाते हुए नहीं देखा। ख्वाजा शेरा हमेशा हमारे वफादार रहे हैं, हमारी कितनी खिदमत करते हैं, लेकिन उनकी फिक्र कोई नहीं करता। तुम दोनों के इस फैसले ने उनके दिलों में अपनी जगह मजबूत बना ली है। यही छोटी छोटी बातें तो इंसान को जिंदगी भर के लिए वफादार बना देती हैं। ये सब कुछ शहंशाह के कारण ही हो पाया। इनकी अनुमति के कारण ही ख्वाजा सरा में एक नए उत्साह का संचार हुआ। जो आज तक अपने जन्म को कोसते थे, वो पहली बार एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। जलाल, तुम हमारी सलामी के हकदार हो। तुम्हारे अब्बू जान मरहूम बादशाह जन्नत आशियानी हुमायूं साहब और तुम्हारे दादा जान मरहूम फिरदौस मकानी बादशाह बाबर साहब की रूह आज तुम पर फक्र महसूस करेगी। जलाल जी। अम्मी जान, कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं अम्मी जान, वो सल्तनत के जरूरी मामला था, अचानक हमारे जहन में आ गए। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। यदि आप होशियार खान के जन्मदिन के उत्सव पर उपस्थित रहेंगे तो उसका आनंद और बढ़ जाएगा। बेशक हम आएंगे जोधा बेगम, जब हमने जश्न का ऐलान किया है तो हम वहां मौजूद होंगे ही। इजाजत चाहते हैं। कुछ देखा आपने जोधा? क्या अमीजा? यही कि आपके शौहर आज कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ तलखी है उनके मिजाज में। हम जानते हैं अमीजा, यहाँ तक कि जब होशियार खान के जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए हमने उससे अनुमति मांगी तो वो हम पर क्रोधित हो गए, हमें ना भी कर दिया। फिर पता नहीं थोड़े समय बाद स्वयं आकर होशियार खान को बधाई दे दी। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि उनके मन में चल क्या रहा है। तो समझने की कोशिश करो, कहीं आपने उन्हें नाराज तो नहीं कर दिया? नहीं अम्मीजान, हमारे साथ तो उनका कोई विवाद नहीं हुआ। तो भी एक बीवी होने के नाते ये फर्ज होता है कि अपने शौहर का मिजाज दुरुस्त रखने की कोशिश करें। और वैसे भी जलाल हमेशा अपनी तकलीफ अपने तक ही रखते हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि आप कोशिश करें ये जानने की कि क्या वजह है उनकी परेशानी की। बेटा, इंसान फकीर हो या शहंशाह, आखिर इंसान होता है और हर इंसान को जज्बाती सहारे की जरूरत होती है। हम जानते हैं वो हमारे कारण परेशान है। उन्हें याद है कि किस तरह हमने उस दिन उन्हें धक्का दिया था जब कल वो हमारे कक्ष में आए थे, तो वही अपमान उन्हें फिर से याद आ गया। प्रणाम शहंशाह, आप यहाँ पे? जोधा बेगम, हम कुछ वक्त के लिए तनाई में रहना चाहते हैं, तो आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। फिर से कहते हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। शहंशाह, आपको स्मरण है पिछली बार जब हम व्यथित थे, दुविधा में थे कि हरम का पद ले या ना ले, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, तब आपने ही हमें मार्ग दिखाया था। बीती बातों को याद करना जरूरी नहीं है जोधा बेगम। आवश्यकता है, तब हम चिंतित थे और अपनी पीड़ा आपके साथ बांटने से हमारा जी हल्का हो गया था। हमें लगा कि शहंशाह हमारे साथ है, हमारे पति का साथ है, एक दोस्त का साथ है, और आज हम आपकी चिंता का कारण जानना चाहते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम अपनी मुश्किल का हल खुद ढूंढ लेंगे जोधा बेगम। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। हम आपकी पत्नी हैं, आप अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे?
जोधा बेगम, जरूरी नहीं है कि एक शौहर अपनी हर बात अपनी पत्नी के साथ बांटे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि दोनों के बीच विश्वास की कमी है। एक बार अपनी बात हमें बताकर तो देखिए, एक पत्नी होने के नाते हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। कहिए ना शहंशाह, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? हम परेशान नहीं है जोधा बेगम, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम परेशान हैं? हमारी दृष्टि को भ्रम हो सकता है, सबको भ्रम हो सकता है, परंतु अम्मी जान ने भी अनुभव किया है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है आपकी चिंता का कारण जानने के लिए। तो आप यहाँ अम्मी जान के कहने पर आई हैं? आप हर बात का उल्टा अर्थ क्यों निकाल लेते हैं शर्जी? पर आप हर बात पे जिद क्यों करती हैं जोधा बेगम? जब हम आपसे कह चुके हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, तो आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? जोधा, दीपदान हो गया तो यहाँ क्यों बैठी हो? मासा, जब पिछले वर्ष हम दीपदान करने आए थे तब आपने हमें कहा था कि जिस व्यक्ति का मुख हम सबसे पहले देखेंगे वही हमारा भविष्य होगा, और आप जानती हैं उस दिन और आज के दिन हमने केवल एक ही व्यक्ति का मुख देखा और वो शहंशाह है। पता नहीं इसे हमारे मन का छल कहे या हमारा भ्रम, परंतु हमें चारों ओर शहंशाह की छवि दिख रही है, और अभी अभी एक पल तो हमें ऐसा लगा जैसे कि इस पानी में हम शहंशाह का प्रतिबिंब नहीं बल्कि प्रत्येक शहंशाह को देख रहे हैं। सत्य तो ये है जोधा कि शहंशाह सचमुच तुमसे मिलने यहाँ आए थे। जोधा, हम यहाँ गणगौर की पूजा करने आए हैं, तो फिर शहंशाह की बातें क्यों कर रही हूँ? याद है ना कितना अपमान किया था उन्होंने तुम्हारा, और फिर जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें उनके साथ नहीं रहना है, तो बार बार उनका स्मरण करके अपने आप को दुख क्यों पहुंचा रही हो? हम तो यही चाहते हैं कि हम उन्हें भूल जाए, उनकी कोई बात हमें स्मरण ना रहे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है मासा। हर क्षण हमें उन्हीं की बातें स्मरण हो रही है। जोधा, तुम चाहे जो कहो, तुम्हारा मन शहंशाह को नहीं भूल सकता। अब तुम आमिर की कुवरी जोधा नहीं, आगरा की बेगम जोधा बन चुकी हो, और हमें प्रसन्नता है इस बात की। हम क्यों शहंशाह को भूल नहीं पा रहे? क्यों उनकी छवि हमारे मन में इस तरह बस गई है? इतने प्रयास करने पर भी हम हमारे हृदय को अब तक समझा नहीं पाए, क्यों वो हमें बार बार दिखते हैं? हमें वो दिखाई दे रहे हैं। अंबे माँ, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? जोधा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और अब भागी भागी कहाँ जा रही हो? पता नहीं काकी साहब, क्या हो रहा है हमें? हर जगह हमें शहंशाह दिखाई दे रहे हैं। वहां पर दीपदान करते समय हमें शहंशाह दिखे, और यहाँ पर हमारे कक्ष में भी हमें ऐसा लगा जैसे कि शहंशाह है। हर जगह उन्हीं के होने का भ्रम क्यों हो रहा है हमें? जोधा बेगम, सुना आपने? हे अंबे माँ, अब हमें उनका स्वर भी क्यों सुनाई दे रहा है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं। ये लो पूजा की फूल। जोधा बेगम, एक आना क्या हो रहा है हमारे साथ? वो यहाँ पर है नहीं तब भी हमें उनका स्वर क्यों सुनाई दे रहा है? जो
जोधा बेगम, हमें आपसे बात करनी है। शहंशाह आप यहाँ पे? अब जहाँ जाएंगे हम वहीं आएंगे जोधा बेगम, जब तक हम आपसे बात नहीं कर लेते। कितनी बार आप हमसे बात करेंगे? आपको बता तो चुके हैं कि हम आगरा नहीं लौटेंगे और हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। आप हमारे कक्ष में क्या कर रहे हैं? वो राजा भारमल जी ने हमें यहाँ आराम करने के लिए कहा था और हम मानते हैं कि आपका गुस्सा हमारे लिए जायज है क्योंकि हमसे इतना बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम बस एक बार आपसे बात करना चाहते हैं जोधा बेगम की। शहंशाह आइए। राजा भारमल जी, आपकी बात बीच में काटने के लिए क्षमा चाहते हैं, किंतु वैद्य जी ने कहा था कि आप आराम करें। आप उठ क्यों गए? हम आराम ही कर रहे थे राजा भारमल जी, कि हमारे आराम में किसी ने खलल डाल दिया। आपकी आज्ञा हो तो हम जोधा से दो पल के लिए बात करना चाहते हैं। बेशक, जाइए जोधा बेगम। आप विश्राम कीजिए।